हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की ब्लॉग में ना हम करने वाले हैं पैदल यात्रा। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास आ चुके हैं काफ़ी दूर से चलकर हमारे भैया जी, जो कि विपिन, इनका नाम है ना विपिन, जी अग्निहोत्री, विपिन अग्निहोत्री, जो कि काफ़ी टाइम पहले, मतलब आज से 132 दिन पहले ये अपने घर से निकले हैं और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल करते हुए जो है ना वो हमारे पास पहुँचे हैं और यहाँ से जा रहे हैं वो पुरी की तरफ, जगन्नाथपुरी की तरफ। तो हमें कल मिल गए थे तो हम इन्हें अपने साथ पकड़ के लेके आ गए और सोचे कुछ साथ में बातें वगैरह भी होगी और कुछ अच्छी अच्छी हम लोगों को कुछ नॉलेज भी मिलेगा कि यात्रा कैसे करें, जो कि आपको ब्लॉग के माध्यम से इनके चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा और मेरे चैनल पर ये वाला ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी ब्लॉग को हम पूरा कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग में आप पूरा एंड तक देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, नाश्ता अभी आया नहीं है तो नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बस भाई लोग, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, अपना प्लेट लग चुका है तो जल्दी नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सीधा नीचे हम जा रहे हैं जहाँ पर अपना थोड़ा बहुत फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, जो भी प्लान किया है, तो वहाँ पर आपसे मिलते हैं। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम भैया, विपिन भैया जिंदाबाद, 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 विपिन भैया जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या नाम हुआ आपका? सूरज फोन हम यूपी उत्तर प्रदेश हरदोई जिले, हम चले थे 17 अगस्त 2022, आज हमें हो गए 133वां दिन है जो आप लोगों के यहाँ पे। 17 अगस्त 2022 हरदोई से चले, सबसे पहले मथुरा, मंसूरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, तुंगनाथ, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, नैनीताल, हल्द्वानी, टनकपुर, पूर्णागिरी, अयोध्या, वाराणसी, फिर इधर बिहार में देवउंगा, बोध गया, गया और फिर नालंदा विश्वविद्यालय, झारखंड में बैद्यनाथ जी और वासुकीनाथ जी, उसके बाद पंडित जी जोर से इधर तक हमारे हिंदू सनातन तो धर्म को आगे बढ़ाना और संसार में अगर सत्यता और सत्य है तो हमारे सत्य सनातन ही है,
जिस सनातन में आज हम सभी प्राणी जन्म पालन और फिर विलीन हो जाना ये सत्यता है। बोले सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज बिपिन जी हमारे NBC कॉलोनी पंचदेव मंदिर के प्रांगण में पधारे हुए हैं। इनका जो उद्देश्य है पैदल भारत भ्रमण, ये पैदल भारत भ्रमण का पीछे इनका जो सोच है सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए और एक योग के माध्यम से भी ज़्यादा जो चलने से शरीर का जो सभी अंग है, सभी जो नसें हैं वो सही रहते हैं। इसे इनका जो उद्देश्य है कि सनातन धर्म को प्रचार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जो इन्होंने साइकिल से पदयात्रा के लिए जा रहे हैं, तो हम NBC कॉलोनी वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इनका जो भी आपका जो पदयात्रा है वो सफल हो जाए। जो अभी लोग ज़्यादा नशा में जुआ में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, नशा का विरोध होना चाहिए और नशा जुआओं को अंदर अंदर खोखला कर रहा है, ठीक है, महाराज आप रोक लगाना चाहिए। इस बात पे हम कहेंगे नशे के ऊपर आपने बात छेड़ी है, तो नशा आपके बच्चे जब ही दूर रह सकते हैं जब आप अपने बच्चे को धार्मिक क्षेत्र में बढ़ाएंगे, उन्हें बढ़ावा देंगे, ठीक है। अगर आप उनसे पूजा पाठ करने को कहेंगे, अगर मान लीजिए आपके बच्चे को हनुमान जी पसंद आ जाते हैं, कभी उनकी कहानी या उनके बारे में उनके दिल लग जाता है, तो बच्चा वो आपका किसी भी यानी नशा पदार्थ करने वाले बच्चे के साथ रहेगा, लेकिन वो कभी सीखेगा नहीं, वो सोचेगा कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, अगर हम ये करेंगे तो हनुमान जी हमें दंड देंगे उस चीज का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी इनका कार्यक्रम वगैरह था, जो भी स्वागत वगैरह था ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग पैदल स्विच कर रहे हैं रोड की तरफ, जहाँ तक हमें से पॉसिबल होता है हम इनको वहाँ तक जो है ना वो छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे भीड़ देख सकते हो, इतने सारे भीड़ जो है ना वो कलेक्ट हो गई है, क्योंकि भाई को मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने तरफ से जो भी सही रहा। तो यहाँ पे हम इतने सारे लोग जो है ना वो अभी निकल रहे हैं इनको ड्रॉप करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इनको ड्रॉप करने जा रहे हैं, रास्ते में जहाँ तक मिलता है बहुत सारे लोग जो है ना सब अपने अपने काम से जो है ना वो चले गए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा दूर तक यहाँ को इनका साथ दे रहे हैं, फिर आगे इनको जो है ना वो विदा करते हैं। तो हम लोग रास्ते में हैं अभी, इनको थोड़ा बेटा पुल जो है ना ड्रॉप कर देते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो छट गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ काम था, हमने बोला कि बिरसा पुल तक चलेंगे तो वहाँ तक हम ड्रॉप करने चल रहे हैं। और यहाँ पे इनकी सवारी को जो है ना भाई थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा इनको रेस्ट जितना हो सके उनका दिला देते हैं, उसके बाद जो है ना ये तो फिर कंटिन्यू करेंगे। भारत माता की जय, भारत
की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। जय हो सनातन धर्म की जय। हो सनातन धर्म की जय। हो सनातन धर्म की। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। जय बजरंग बलि जय बजरंग बलि जय श्री राम 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 जय बजरंग बलि जय। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग थोड़ा रेलवे फाटक पार कर रहे हैं और यहाँ चलते हैं। बस सामने ही हमारा लक्ष्य है जो कि बिरसा पुल, वहां तक इनको ड्रॉप करते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं भौरा से जो बिरसा पुल जो कि मोहन बली घाट जो है ना यहाँ पे आए हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ से जो है ना वो धनबाद और बोकारो का डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ से बिरसा पुल जो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। भैया को जो है ना हम यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। जितने सारे भाई लोग आए हुए हम सब यहाँ पे छोड़ने के लिए आए की जर्नी जो है ना वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे और भी किसी को कुछ बोलना है? नहीं ठीक है। बस हैप्पी जर्नी। अच्छे से अपना यात्रा को कंटिन्यू कीजिए और बस अपना काम जो है लक्ष्य जो है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो आई होप यहाँ पे ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप अगर आज की ब्लॉग आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ट्रैवल से रिलेटेड एंड पूजा से रिलेटेड एंड जो है ना वो फेस्टिवल ब्लॉग मैं चैनल पर डालता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम। जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम। सदा याद रहिए।